हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल फैंटसी स्पोर्ट्स लेन में। दोस्तों, आज के दिन का ये तीसरा T10 का मुकाबला खेला जाना है, जहाँ पर कैसे आपको आमने सामने DVU वैसे कैसे UCC की टीम यहाँ पे जो है DCC की देखने को मिलेगी। दोस्तों, बात करें DCC की टीम काफ़ी वीक चल रही, लास्ट के 5 मैच के लिए 5 दोस्तों यहाँ पर लॉस रहा है इनका। वहीं यहाँ पर बात करें तो DVU की टीम दोस्तों जो अपने पहले 3 मुकाबले खेली थी वहाँ पर कैसे इसमें से इन्होंने एक विन किया था और 2 मैच इन्होंने लॉस किया था। लेकिन कैसे अगर ओवरऑल कंपेयर की जाए दोनों टीमों की, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम के पास अच्छे खासी प्लेइंग लाइन, बैटिंग बॉलिंग लाइनअप है जो कि इस मैच के अंदर आपको शानदार बिनिंग करा सकती है। तो यहाँ पे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के आपको टॉप प्लेयर देखने को मिलेंगे, साथ आपको कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक और कहीं यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग का टॉप ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको टीम बनाना काफ़ी ईजी हो जाएगा और आसानी से इस मैच के अंदर आप जैकपॉट विनिंग कर पाएंगे। तो बिना टाइम बर्बाद के हम आगे बढ़ेंगे, स्टैट्स के बारे में जानेंगे, प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रहते हैं, कौन सा प्लेयर इस मैच में परफॉर्म करेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो फटाफट से यहाँ पर ज्वाइन करो, इसका लिंक आपको जो वीडियो के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आसानी से आप हमारे पास ज्वाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लेयर के बारे में जो कि कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट कितना ज़्यादा रहेगा और इस मैच में किसकी दोस्तों जो रोल कहाँ पे कितना इफेक्ट कर सकता है ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस पे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है अपने यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में देखेंगे 3 प्लेयर आपको इस मैच में खेलते नजर आएंगे, जहाँ पे गए यहाँ पे एस तारिक इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है, जैसा कि रिसेंटली मैच में इसको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने को मिल रहा है। अगर इस मैच में भी दोस्तों सेम आपको तीसरे चौथे पे बैटिंग करते नजर आएंगे तो आपको बैटिंग बहुत शानदार करके देने वाले, इसको टीम में जरूर लेकर चलेगा। बाकी ग्रैंड लीग खेलने वाले भाई पी सिंह को जरूर ट्राई करो दोस्तों, आपको बता दूं ये प्लेयर काफ़ी अच्छा खासा कर सकता है अगर यहाँ पर बॉलिंग इसकी आ जाती है प्लस बैटिंग उसको टॉप ऑर्डर में देता है तो। लेकिन दोस्तों टीम थोड़ी सी इसकी जो है वीक कर रही है, दोस्तों इसके बैटिंग बॉलिंग ज़्यादा जो नहीं दे पा रही है, जिसके कारण इसका परफॉर्मेंस आपको डाउन देखने को मिला। ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए, स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेगा एस तारिक, वहीं कैसे ए चौधरी की बैटिंग काफ़ी नीचे, जिसके कारण मैं इसको फिलहाल अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ। और कोई अपडेट आता है तो आपको मैं टेलीग्राम पर इसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल कैसे अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे जो है बैटिंग सेक्शन से 2 प्लेयर को टीम में ट्राई किया है, वाई सिंह और गैस ए हसीब। दोनों ही प्लेयर आपको बता दूँ टॉप में दोस्तों खेलेंगे, बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दो ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देंगे, प्लस आपको बता दूँ हसीब आपको ओपन या फिर 1 डाउन बैटिंग करते नजर आएगा। वहीं कैसे आप वाई सिंह की बात करूँ तो 4थे 5वें पे आपको बैटिंग करते नजर आएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों प्लेयर को अपनी टीम में जरूर लेना, जो कि आज के मैच खास करके बहुत शानदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। इसके अलावा कैसे यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास कुछ ऊपर जो टॉप प्लेयर्स देख सकते हैं, जैसे कि इस बात करूँ तो इस मैच बी पटेल है और देश पांडे, और इस मैच के अंदर आपको ओ हैदर का चांस थोड़ा रह गया कि इस मैच इसके प्लेइंग 11 के अंदर आपको खेलते हुए नजर आ सकता है। अगर ये प्लेयर इस मैच में खेलता है तो टीम में जरूर लेना। और फिर गाइस यहाँ पे DCC का फेवर करते हुए अपने टीम बनाने को कहूंगा, जो कि आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा, जिससे आपको इस मैच में जैकपॉट विनिंग आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल अभी इसके बारे में बात नहीं करते, खेलेगा तो आपको इसका अपडेट मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पिक हमने उसको ले रखा है, वह कैसे यहाँ पे एक और प्लेयर रहता है यू जामिल, जो कि आपको ओपन बैटिंग करके देगा यहाँ पे DCU की तरफ से, तो यहाँ पे इसको चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रहेगा प्लेयर हमारे पास यहाँ पे ऑलराउंडर में, कैसे मैंने 3 प्लेयर यहाँ जहाँ पे कैसे मैंने डी यहाँ पे सी डोले के ट्राई किया, कैसे यहाँ पे एम उल हसन है और दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, खास करके एम उल हसन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 ओवर यहाँ पे कंप्लीट बॉलिंग के साथ टॉप ऑर्डर में टॉप 3 में बैटिंग करते नजर आएंगे आज के मैच में आपको, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गई जैसे क्या होता है अगर वो हैदर नहीं खेलेगा ना इस मैच में, तो यहाँ पे आपके लिए सी डोले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाला है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देगा। वहीं पर कैसे देखा जाए तो आपको बैटिंग टॉप 3 में करेगा और 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देगा आज के मैच में, अगर वो हैदर नहीं खेलता तब। बाकी दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अली नवाज को ले रखा है, जो कि गाइस यहाँ पे ओपन कर सकता है इस मैच के अंदर या फिर गाइस 4थे नंबर पे खेलेगा, प्लस आपको 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइस ये हमारे पास प्लेयर्स रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ यहाँ पे जो है के डयाफुल खेलते हुए नजर आएंगे आपको इस मैच में, तो अगर आप इसको ट्राई कर सकते हैं तो दोस्तों GL के लिए एक अच्छा खासा पिक बन सकता है आपको, खास करके बॉलिंग से अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, तो इसको अपनी टीम में आप वहाँ ट्राई कर सकते हो। आपको जैसे कि देख सकते हैं लास्ट मैच 60 पॉइंट भी दिया हुआ है गाइस, और काफ़ी अच्छे खासे इनके रोल रह सकते हैं आज के मैच में बॉलिंग करते हुए, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल अभी आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो टॉप में ना राकिब उल देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस अभी इसको बता दूँ बॉलिंग इसकी नहीं आ रही है और बैटिंग ही केवल कर रहे हैं, जहाँ पे गाइस इसका परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है, जिसका कारण है बैटिंग काफ़ी नीचे आ पा रही है इसकी। वहीं कैसे हम बात करें यहाँ पे अपने बॉलिंग सेक्शन से, तो मैंने भी यहाँ पे 5 प्लेयर ट्राई किए, जहाँ पे कैसे बी सिंह है, KSR रहेंगे और कैसे रोहित कुमार रहेंगे, जहाँ पे कैसे देखा जाए तो रोहित कुमार मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनका दोस्तों देखा जाए ना तो काफ़ी अच्छी खासी इसके मैच के अंदर आपको 2 ओवर
बॉलिंग के साथ आपको टॉप फोर में बैटिंग करते नजर आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा इस मैच के अंदर। फिलहाल गाइस यहाँ पे के साहब बॉलिंग से अच्छे खासे दिख रहे हैं, बी सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ग्रैनली खेलने वाले दोस्तों यहाँ पे गवाने को जरूरत रहेगा, ट्राई कर लीजिएगा, जो कि DCCC की टीम की तरफ से एक जैकपॉट बॉलिंग प्लेयर बन सकता है। वहीं कैसे हम आगे बात कर लेना तो यहाँ पे आपको बता दूँ, आगे अगर यहाँ पे DCCC के फेवर कर रहे हो तो अपने यहाँ पे दोस्तों की टीम के कैप्टन को नारासिमहन को ट्राई कर सकते हो, लेकिन गाइस यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की रहेगा जिसके कारण हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। वहाँ पास दो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे यहाँ पे मोहम्मद कैमरन और गाइस यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल्ला, जिसको मैंने टीम में ले रखा है, दोनों प्लेयर का भी रिसेंट फॉर्म बॉलिंग से काफ़ी गजब का है। तो दोस्तों दोनों को लेकर चलिएगा, मोहम्मद कैमरन आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करके देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट रोल इस मैच में करेंगे। तो गाइस ये हमारी इस मैच में की टीम रहेगी, जैसे कि आप एक बार फाइनल प्रीव्यू देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पे आपको बता दूँ सबसे पहले ही कि दोस्तों फाइनल अभी टीम हमारी रहेगी, फाइनल जो टीम होगी टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, जो कि आपको लिंक किसका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल अभी बात करें टीम के बारे में तो यहाँ पर मैंने एस तारी को ले रखा है, हसीब रहेंगे, वाई सिंह डोले होंगे, यहाँ पे एम हुसन अली साहब होंगे, बी सिंह रहते हैं, के शाह रहेंगे, आर कुमार और अब्दुल्ला और कैमरन रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रोहित कुमार और मोहम्मद उल हसन के साथ रखा है, आप यहाँ पे अली नवाज को भी कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के पिक। और गाइस यहाँ पे इस मैच के अंदर यहाँ पे मोहम्मद कैमरन का भी अच्छा खासा रोल रह सकता है, या फिर आपके अच्छा खासा एक और जो है ए हसीब का रहता है, तो इन प्लेयर्स के साथ आप खास करके लीड कर सकते हैं। दोस्तों ये टॉप के चार प्लेयर रहेंगे जिसके साथ आप कैप्टन वाइस कैप्टन लीड कर सकते हैं इस मैच में। फिलहाल के इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अभी चैनल पर नए आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, और गाइस यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।